में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मरुधरा में प्रचंड गर्मी, पारा पहुंचा 49 डिग्री सेल्सियस, चेतावनी अभी और बढ़ेगी तपिश, कल से शुरू हो रहा है नौतपा में और अधिक बढ़ेगी गर्मी। पलौदी जिले का तापमान प्रदेश में सबसे अधिक 49 डिग्री, जैसलमेर बाड़मेर का अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ज्यादा, जयपुर का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री, वहीं जयपुर में हीटवेव से एक की मौत। वहीं आपको बता दें 2 दिन में 12 लोगों ने दम तोड़ा, सरकार 6 मौतें मान रही है। आज फलौदी का अधिकतम तापमान 49 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ, वहीं जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर का तापमान भी सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है, इसी के साथ ही कल से नौतपा भी लग रहा है। नौतपा के चलते प्रदेश का तापमान और अधिक बढ़ेगा, जिससे झुलसाने वाली गर्मी एक बार फिर से बढ़ेगी। कैमरा पर्सन ब्रजेश शर्मा के साथ अनूप शर्मा, जी मीडिया जयपुर। तो देखिए ये गर्मी और ज्यादा परेशान करने वाली है, ये तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, कल से नौतपा शुरू हो रहा है। ऐसे में आप लोग अपना ख्याल रखिए, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें, कॉटन के कपड़े मिल पहने और बहुत जरूरी तो भी घर से बाहर निकले। मरुधरा में देखिए प्रचंड गर्मी और पारा पहुंचा 49 डिग्री, चेतावनी अभी और बढ़ेगी तपिश। इस पर ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनूप हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए। अनूप, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कैसी चेतावनी जारी की है? अनूप, क्या अब तक आवाज आ रही है? चलिए मेरे सहयोगी से मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मरुधरा में देखिए प्रचंड गर्मी है और पारा 49 डिग्री पार पहुंच गया है। ऐसे में चेतावनी जारी की जा रही है, अभी और बढ़ेगी तपिश और कल से शुरू हो रहा है नौतपा। नौतपा में और अधिक बढ़ेगी गर्मी। वहीं फलौदी जिले का तापमान प्रदेश में सबसे अधिक 49 डिग्री, जैसलमेर बाड़मेर का अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ज्यादा, जयपुर का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री, जयपुर में हीटवेव से एक मौत, 2 दिन में 12 ने दम तोड़ा, सरकार 6 मौतें मान रही है। पानी से छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पर, लोग अलग अलग जतन कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन ये गर्मी जो है और ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि कल से नौतपा शुरू हो रहा है। अपना ख्याल रखें, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें, वहीं अगर बहुत जरूरी है तभी बाहर निकलें। अनूप मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। अनूप, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, गर्मी और कितना परेशान करने वाली है, टेम्परेचर कहां तक पहुंचेगा और कहां कहां पर अलर्ट जारी किया गया है? जी हाँ बिल्कुल खुशबू, देखिए फलौदी सट्टा बाजार के लिए मशहूर है पूरे देश के अंदर, लेकिन आज फलौदी जिला सट्टा बाजार नहीं, तापमान के अंदर पूरे देश के अंदर मशहूर हो रहा है। फलौदी का जो अधिकतम तापमान है वो 49 डिग्री पहुंच गया है, जो कि प्रदेश के अंदर सबसे अधिक इस समय में दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के अगर अन्य जिलों की बात की जाए, जैसलमेर बाड़मेर सीमावर्ती जिलों की, तो वहाँ पर भी गर्मी का जो सितम है वो बढ़ा हुआ है। प्रदेश का तापमान है वो 49 डिग्री तक पहुँच गया है, और अगर जोधपुर के तापमान की बात करें तो 47.6 डिग्री जोधपुर का तापमान इस समय में रिकॉर्ड किया जा रहा है। गंगानगर कोटा का अगर तापमान की बात की जाए तो 46 डिग्री से अधिक का वहाँ पर दर्ज तापमान हो रहा है। बीकानेर का अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री दर्ज हो रहा है, और इसी के साथ ही चूरू का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री दर्ज हो रहा है। पूरे अगर प्रदेश के तापमान की बात की जाए 24 घंटों के दौरान की, तो 24 घंटों के दौरान के तापमान के अंदर उतार चढ़ाव का दौर है वो लगातार जारी है। प्रदेश के 5 से अधिक जिलों के लिए रेड अलर्ट है वो घोषित किया हुआ है, और इसी के साथ ही हीट और लू का जो दौर है वो इस समय के अंदर प्रचंड मात्रा के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल की अगर बात की जाए तो कल से नौतपा शुरू होगा, और नौतपा के दौरान 9 दिन और अधिक गर्मी होगी। गर्मी के कारण जो आमजन को होने वाली परेशानियां हैं वो और अधिक होगी। आज जब हमारी दिन के अंदर ज्योतिषाचार्य से बातचीत हुई तो ज्योतिषाचार्य का यही कहना था कि नौतपा है जिसके कारण प्रदेश के अंदर और अधिक गर्मी 9 दिन पड़ेगी। जोधपुर है
और फलौदी का तापमान है जो कि सामान्य से 6 डिग्री अधिक यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। कुल मिलाकर के अगर तापमान की बात की जाए तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के अंदर इस समय का जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है और राहत की अभी तक यहाँ पर कोई उम्मीद साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है अनूप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए फिर गर्मी और ये गर्मी और ज्यादा